नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। नर्मदापुरम जिले की तहसील इटारसी के सूर्या होटल में 21 किलो हीरोइन के साथ पकड़ाई तीन आरोपी महिलाओं को एनसीबी ने आज नर्मदापुरम विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय द्वारा उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। तीनों आरोपी महिलाएं 24 मई को इटारसी के सूर्या होटल पहुंची थी, जहां एनसीबी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया था। आरोपियों से पूछताछ के बाद आज उन्हें मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से विशेष न्यायालय द्वारा आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिए गए। दरअसल इटारसी में नारकोटिक्स विभाग इंदौर के नशों के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। नारकोटिक्स विभाग ने आज छापामार कार्रवाई की थी। बताया जा रहा था कि इस दौरान 21 किलो हीरोइन के साथ एक होटल के कमरे से युवतियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने गुरुवार को इटारसी के जयस्तंभ चौक के पास एक होटल में छापा मारा था, जहां बड़ी मात्रा में नशों की खेप मिली थी, जिसे सूटकेस में छुपाकर यहां से बाहर सप्लाई किया जा रहा था। इन युवतियों को तार ड्रग्स की तस्करी करने वाले किसी इंटरनेशनल गिरोह से भी जुड़े होने की संभावना बताई जा रही थी। पकड़े गए लोगों से मिजोरम की लड़कियों को भी शामिल होने की बात सामने आ रही थी। इन ड्रग्स बरामद लड़कियों को पकड़ने के बाद नारकोटिक्स विभाग की टीम इटारसी थाने लेकर पहुंची थी। इस पूरे मामले में खास बात यह रही थी कि इस पूरी कार्रवाई से पुलिस को दूर रखा गया था। न्यायालय में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक केशव सिंह चौहान ने प्रकरण की पैरवी की। एजीपी केशव चौहान ने बताया कि आरोपियों द्वारा सूटकेस में कार्बन पैकिंग में छुपाकर हीरोइन लाया जा रहा था, जिसे एनसीबी की टीम द्वारा पकड़ लिया गया। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी दिल्ली से, वही दो महिलाओं को बेंगलुरु से ट्रेस किया गया है। इटारसी पकड़ाई तीन महिला आरोपी को गिरफ्तार कर एनसीबी से पूछताछ की। पुलिस रिमांड और पूछताछ पूरी होने पर आरोपियों को न्यायालय लाया गया, 15 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। आरोपी जिम्बाब्वे से हीरोइन लाई थी और इटारसी में रुकने के दौरान वही एनसीबी की गिरफ्त में आ गई। हीरोइन कहां से लाई जा रही थी और इस अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप और कौन कौन जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से मादक पदार्थों की तस्करी का यह कारोबार चल रहा था, इस मामले पर फिलहाल जांच चल रही है। माखन नगर से आशीष दुबे की रिपोर्ट। हो गई है, उनसे पूछताछ कंप्लीट हो गई है। आज उनको जुडिशरी रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कितने दिन की ये जुडिशरी रिमांड है? अभी 15 दिन की है। क्या है पूरा मामला, कहाँ कहाँ से पकड़ाए हैं आरोपी इस पूरे के? अभी इसमें एक जो उनका सरगना है वो दिल्ली से पकड़ाया है और दो महिलाएं साथ ही उनको बेंगलोर से ट्रेस हुई है। ये लड़कियां जो हैं, तीन लड़कियां जो हैं मिजोरम की, ये कहां से लेकर आती थी, किस तरह से लाती थी, कहां ले जाती थी? ये तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, परंतु ये जो माल है, जो हेरोइन है, वो जिम्बाब्वे से आया है। एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले में रहा कि एयरपोर्ट से निकले, वो विभिन्न ट्रेनों में निकली, कहीं जो स्कैनर हैं या जो जांच है उसमें नहीं पकड़ा है, किस प्रकार से? ये डायरी में कुछ दिख रहा है? नहीं, इसमें एक्चुअल में क्या है, इन लोगों ने कार्बन लगा कर रखा था, कार्बन की वजह से जो हीरोइन है वो स्कैनर में नहीं आई और उसको बहुत अच्छे से पैकिंग किया था, जिसमें वो स्कैनर में नहीं आ रहा है कार्बन जो लगा है। एनसीबी की जांच में अभी तक कोई लोकल कनेक्शन मिला है क्या? लोकल कनेक्शन तो नहीं है, मगर जांच चल रही है। और भी युवतियां पकड़ाई हैं बेंगलोर से वगैरह? दो युवतियां भी ट्रेस हुई हैं। जो हेरोइन जब्त हुई है उसकी टोटल कीमत कितनी है? लगभग 35-36 करोड़। यहाँ जो इटारसी में जो बरामद हुई है वो कितनी हीरोइन है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत? 21 करोड़। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।